राम राम भाई सारे ने। आज मैं आपको एक ऐसे शख्स का कहानी सुनाने वाला हूँ जो कि कभी बूढ़ा नहीं होता। 70 साल की उम्र में हल्क होगन ने फिर से शादी कर ली है। जो लोग मेरे भाई इंडिया से होंगे आप लोगों ने रामचरितमानस का ये वाला चौपाई जरूर से सुना होगा कभी न कभी। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना तिनका कौआ मोती खाएगा। और भाई ये एक्चुअली में सच होते दिख रहा है क्योंकि 70 साल की उम्र में हल्क होगन ने तीसरा बार फिर से शादी कर लिया। हल्क होगन भाई 90-80 के रेशियो में भाई करेंट टाइम में एट द एज 70 वो शादी किए हैं। मैं तो बस इस बात को लेकर डाउट कर रहा हूँ करेंट टाइम में कि क्या हल्क होगन कुछ कर भी पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। पहले भाई उन्होंने ये वाला फोटो शेयर किया और इस फोटो को शेयर करने के बाद उन्होंने कंफर्म किया कि वो फाइनली वो शादी कर ली। और मैं आपको बता दूं शादी में जो दद्दा ने जो रिंग पहना है वो सिर्फ रिंग का कॉस्ट है भाई $5 लाख। सिर्फ एक रिंग का कॉस्ट कितना करोड़ होगा इंडियन रुपीज में मेरे से बेहतर आप जानते हो। हल्क होगन तो भाई मतलब शुगर डैडी वाला प्रोटोकॉल से मतलब ऊपर चले गए। मुझे लिटरली इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलना। हमारे दादाजी अपने लाइफ में बहुत ज्यादा फूले फले, मतलब बहुत सारे खुशियां हैं आपके लाइफ में। मतलब लिटरली मतलब क्या ही बोलूं यार, मुझे कुछ भी समझ में नहीं। तो इससे हमें ये शिक्षा मिलता है कि हमें लाइफ में सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना चाहिए। अगर आपके पास पैसा है तो लड़की ना ही आपका चेहरा देखने वाली, ना ही आपका एज देखने वाली, ना ही आपका वो देखने वाली। आई थिंक मैंने कुछ ज्यादा ही मोटिवेट कर दिया। अब चलते हैं सीधे टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कल के स्मैकडाउन शो के बारे में। तो भाई कल का स्मैकडाउन का शो बहुत ज्यादा बेहतरीन था, पर भाई व्यूअरशिप जो निकल कर सामने है वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट कर रहा है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कल का स्मैकडाउन का व्यूअरशिप 2.11 मिलियन आया, जो कि मेरे ख्याल से काफी ज्यादा कम है। भाई अगर इससे अगर हम लोग पिछले वीक का बात करें तो 2.5 मिलियन व्यूअरशिप आया था स्मैकडाउन। तो आप लोग समझ सकते हो जिस तरीके से मंडे नाइट रॉ का व्यूअरशिप लाने में हालत खराब हो रहा है, अब करेंट टाइम में स्मैकडाउन का भी वही सेम हाल हो रहा है। जबकि डब्ल्यू वाले पहले से इस बात को अनाउंस कर दिए कि स्मैकडाउन के ऊपर जॉन सीना आने वाले। मैं कुछ भी नहीं इसके बारे में बोलना चाहता, देखते हैं शायद अगले वीक स्मैकडाउन का फिर से सही हो जाए। नेक्स्ट में बात करते हैं कल के मंडे नाइट रॉ के बारे में। तो कल के मंडे नाइट रॉ के ऊपर क्या कुछ होने वाला आप लोग सारे लोग यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले आपको ड्रैगन ली वर्सेस डॉम डॉम के बीच में मैच देखने को मिलेगा। उसके बाद मिस टीवी के ऊपर ड्रू मैकइंटायर और देन उसके बाद शिंसुके नाकामुरा जो सेथ रॉलिंस को रिस्पॉन्स करेंगे, मतलब इनके बीच में मैच सेट हो जाएगा कल के मंडे नाइट रॉ के ऊपर। इसके अलावा हमें कल के मंडे नाइट रॉ के ऊपर संदीप महेश्वरी का हमें मोटिवेशनल स्पीच भी देखने को मिलने वाला। साथ ही साथ भाई कल के मंडे नाइट रॉ के ऊपर सैमी जोन और केविन ओन्स को अपना रिमैच मिलने वाला डेविन प्रिंस और फिन बैलर के अगेंस्ट। तो भाई कल का रॉ तो मतलब बड़ा ही नेक्स्ट लेवल का होने वाला। नेक्स्ट में बात करते हैं फिन बैलर के बारे में। तो भाई फिन बैलर रिसेंट टाइम में एक नया टैटू बनाया भाई, मुझे नहीं पता लिटरली ये रियल है फिर फेक है। आप लोग देख सकते हैं रिसेंट टाइम इस फोटो को उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट किया। साथ ही साथ फिन बैलर के बारे में एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट पता चला है। इनका जो डेविन वाला कैरेक्टर था, इस कैरेक्टर को किसी और तरीके से निभाना था। रिसेंट टाइम में इन्होंने इंटरव्यू के अंदर इस बात को बताया कि सबसे पहले जब ये डेविन कैरेक्टर जब प्ले कर रहे थे तो इनको सिर्फ ड्रेस ही पहनना था। देखे होंगे जिस तरीके से अंडरटेकर अपना कैरेक्टर चेंज कर लेते हैं सिर्फ ड्रेस पहन के, उसी तरीके से इनको ड्रेस पहनना था। ये यहाँ पर बॉडी पर पेंट करना ज्यादा अच्छा समझो, जब इन्होंने पेंट भी किया तो इनको लगा सिर्फ वन टाइम के लिए ये चीज होने वाला है। उसके बाद फैंस की तरफ से बहुत अच्छा रिएक्शन निकल कर सामने, उसके बाद हमें करेंट टाइम में ये वाला कैरेक्टर हमें देखने को मिल रहा है। बात करते हैं रोमन रेंज के बारे में। तो भाई रोमन रेंज का फर्स्ट टाइम फुटबॉल के अंदर भी इनका गेम प्ले खुद का आया और गेम के अंदर इनका जो कैरेक्टर दिखाया गया 2005 वाला रोमन रेंज का कैरेक्टर दिखाया गया, जब वो रोमन रेंज एक्चुअली फुटबॉल खेला करते थे। लोग समझ सकते हो रोमन रेंज आज के टाइम पर इतने बड़े स्टार बने कि आज के 20 साल पहले जहां खेला करते थे वो भी इनके नाम पर बिजनेस कर रहा है। वैसे भाई आज मैट हार्डी का बर्थडे, 49 ईयर के मैट हार्डी हो गए, तो सारे लोग जरूर से विश कर दीजिए। मैं इस वीडियो के अंदर इनके बारे में बहुत ज्यादा बोलना नहीं चाहता, पर हाँ आप लोग सारे लोग विश कर दीजिएगा जरूर से कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट बात करते हैं मैट रियल के बारे में। तो भाई मैट रियल जैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से निकले हैं ऑलमोस्ट कंफर्म ही बताया जा रहा है रिसेंट टाइम में कि एडब्ल्यू कंपनी के अंदर ये जाने वाले। रिसेंट टाइम में डेव मेल्जर ने भी इस बात को खुद से बोला कि मैट रियल 100% कंफर्म एडब्ल्यू कंपनी के अंदर ये जा सकते हैं। साथ ही साथ भाई अगर हम लोग डॉल्फ जिगलर के बारे में बात करें तो इनका ऑलरेडी भाई जो है एडब्ल्यू कंपनी के अंदर ये काम करते हैं ऑलरेडी, वहां एक रेसलर। डेफिनेटली ये दोनों रेसलर 100% लॉक हो चुके हैं करेंट टाइम में एडब्ल्यू कंपनी के लिए, आपको बहुत ही जल्द एडब्ल्यू कंपनी के अंदर देखने को मिलने वाले। वैसे भाई डब्ल्यू वाले करेंट टाइम में सिर्फ मेन रोस्टर के रेसलर को नहीं फायर कर रहे, रिसेंट टाइम में एनएक्सटी के भी उन्होंने बहुत सारे रेसलर को फायर किया है। मैं उन रेसलर का नाम नहीं बताने वाला क्योंकि भाई मैं खुद ही उनको नहीं पहचान। पर भाई मुद्दे की बात है कि मैं इससे रिलेटेड आपको एक बहुत बड़ा मैं आपको गुड न्यूज देने वाला। सबसे पहला रिपोर्ट ये कि डब्ल्यू वाले जिन जिन रेसलर को रिसेंट टाइम में फायर किया साथ उनको फिर से डब्ल्यू कंपनी के अंदर बुला सकते। अगर आपको याद होगा तो लॉकडाउन के टाइम पर डब्ल्यू वाले ब्रे वाइट और ब्रॉन स्ट्रोमैन जैसे रेसलर को अपनी कंपनी से निकाल दी थी, उसके बाद इनको फिर से वापस लाया गया क्योंकि ब्रे वाइट जब डब्ल्यू कंपनी से निकले थे उसके बाद फैंस बहुत ज्यादा डब्ल्यू कंपनी के ऊपर भड़क गई। तो मे बी ऐसा अगर होता कि कोई रेसलर डब्ल्यू कंपनी से निकाला गया उसके बाद किसी और कंपनी के अंदर अगर नहीं गए तो भाई डब्ल्यू के अंदर फिर से वो वापस आ सकते। भाई ये बात मैं आपको हवा में नहीं बता रहा हूँ, एक्चुअली रिंग साइड न्यूज की तरफ से ये रिपोर्ट भी निकल कर सामने आई। साथ ही साथ डब्ल्यू वाले रिसेंट टाइम बहुत सारे रेसलर को इसलिए फायर करे ताकि कुछ न्यू रेसलर को डब्ल्यू कंपनी के अंदर फिर से वापस लाया जा सके। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको कुछ टाइम पहले इस बात को बोला था कि दिसंबर आते आते मतलब डब्ल्यू कंपनी और एडब्ल्यू कंपनी दोनों के बीच में वार होने वाला है। वार क्या होना है, डब्ल्यू वाले बहुत सारे अपने रेसलर को अपनी कंपनी से निकालेगी, एडब्ल्यू वाले बहुत सारे रेसलर को अपनी कंपनी से निकालेगी क्योंकि भाई हर कंपनी को अपना बजट मेंटेन करना रहता, मतलब अपने औकात से ज्यादा रेसलर को साइन नहीं कर सकते। तो डब्ल्यू कंपनी से बहुत सारे रेसलर ऑलरेडी निकाले जा चुके, तो अब बारी एडब्ल्यू कंपनी का। तो एडब्ल्यू कंपनी से जैसे ही बहुत सारे रेसलर निकाले जाएंगे डब्ल्यू वाले उनको अपने कंपनी के अंदर बुलाने का पूरा कोशिश करेगी। और भाई अगर डब्ल्यू कंपनी से अगर 20-25 रेसलर अगर गए तो आपको 8-10 रेसलर न्यू वाले आते हुए दिखेंगे आपको डब्ल्यू कंपनी के अंदर बहुत ही जल्द। तो मेरे ख्याल से डब्ल्यू फैंस के लिए एक बहुत बड़ा गुड न्यूज आने वाला है, मतलब बहुत सारे आप न्यू रेसलर को डब्ल्यू कंपनी के अंदर फिर से देखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं रोमन रेंज की गर्लफ्रेंड पेज के बारे में, जिनके बारे में भाई रिसेंट टाइम बहुत बड़ा सैड न्यूज निकल कर सामने आया। पेज रिसेंट टाइम
ट्विटर के ऊपर इस बात को रिवील किया कि उनका जो रेसलिंग गेयर है वो पूरा रेसलिंग गेयर उनका एक्चुअली भुला गया कहीं। और ये पेज के लिए बहुत ज्यादा बड़ा बात इसलिए क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे रेसलिंग गेयर ऐसे भी थे जिसको ये पेज पिछले 10 साल से यूज कर रहे हैं। मेरे ख्याल से किसी भी रेसलर के लिए बहुत बड़ा एक सैड न्यूज उनका रेसलिंग गेयर अगर खो गया। वैसे AEW वाले मेरे ख्याल से सस्ते नशे करते हैं। अगर आपको याद होगा तो क्रिस जेरिको का चैंपियंस बेल्ट कुछ टाइम पहले खो गया था, केनी ओमेगा का खो गया था, अब रिसेंट टाइम में पेज का रेसलिंग गेयर ही खो गया। मतलब कुछ न कुछ AEW के रेसलर के साथ तो गलत होता है। नेक्स्ट बात करते हैं नाइट ऑफ चैंपियंस के बारे में। तो भाई कोडी रोड्स रिसेंट टाइम में रिवील किया कि नाइट ऑफ चैंपियंस जो पेपर व्यू हुआ था उसके अंदर अप्रोक्स 50,000 ऑडियंस आया था। आप लोग यहाँ पर एक्जेक्ट नंबर देख सकते हो जो कि 46,700। मेरे ख्याल से भाई एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है रूली कंपनी के लिए। 50,000 ऑडियंस लाना कोई भी नॉर्मल चीज नहीं होता। वैसे इसके पीछे आप लोग रोमन रेंस को क्रेडिट ज्यादा दे सकते हो क्योंकि रोमन रेंस का भी हमें बड़ा कमाल का मैच देखने को मिला था नाइट ऑफ चैंपियंस के अंदर। वैसे मैं आपको एक फन फैक्ट बताता हूँ। मैट रियल ने 2019 के अंदर ब्रॉक लेसनर के बारे में बोला था कि ब्रॉक लेसनर मैं तुझे रिटायर करूंगा WWE कंपनी से। भाई देख लो यार, आज भी ब्रॉक लेसनर WWE कंपनी के अंदर है, मैट रियल जबकि WWE कंपनी से रिटायर हो चुके हैं। अगर आप लोग मैट रियल के बारे में अगर न्यूज सुनते होंगे तो भाई बहुत सारे रेसलर इनके साथ रेसल करने के लिए ही मना कर दिए क्योंकि ये बहुत अजीब बंदे थे। सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे रेसलर का ऐसे ही ये बेइज्जती कर देते थे। नेक्स्ट बात करते हैं जे उसो के बारे में, जिनका भाई शायद से हमें लव एंगल देखने को मिल सकता है मंडे नाइट रॉ के ऊपर। एक्जेक्टली पूरा कहानी क्या मैं आपको सारा कुछ समझा। रिसेंट टाइम में ये वाला जो मैं आपको फोटो दिखा रहा हूँ, ये फोटो रिसेंट टाइम में काफी ज्यादा सोशल मीडिया के ऊपर वायरल जा रहा है। भाई कमाल की बात है कि इस फोटो को रिसेंट टाइम में जे उसो ने अपने इंस्टाग्राम के ऊपर डाला है, स्टोरी के ऊपर, साथ ही ये टैग भी किए डॉम डॉम। तो आप लोग बात समझो, WWE वाले ऑलरेडी इस स्टोरी लाइन के बारे में कुछ टाइम पहले हमें हिंट ऑलरेडी दे दी। साथ ही साथ इस स्टोरी लाइन को प्ले करने में जे उसो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, ऑडियंस तो भाई 10 गुना ज्यादा इंटरेस्टेड है। जो ऑडियंस चाहेगी WWE वाले भाई वही करने वाले। तो आपको शायद ये वाला स्टोरी लाइन आपको देखने को मिलने वाला WWE कंपनी का। सच में भाई ये बहुत ज्यादा क्रेजी होगा। अगर सच में अगर रिया रिप्ले अगर डॉम डॉम को छोड़ देती तो भाई मतलब नेक्स्ट लेवल का मजा आने वाला। ऑडियंस को जो चाहिए वो मिल रहा है, WWE वाले को जो चाहिए वो भी मिल रहा है यहाँ पर। वैसे मेरे सब्सक्राइबर कितने ठरके आप इस बात से पता लगा सकते हैं। कल मैंने बस ऐसे ही वीडियो के अंदर बोला था कि योशिकाई का एक बड़ा अच्छा वाला मेरे पास फोटो है। उसके बाद भाई अचानक से मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलोवर बढ़ना शुरू हो गया, बहुत सारे लोगों का मैसेज आना शुरू हो गया, भाई वो वाला फोटो देखा, भाई वो वाला फोटो देखा। तो आप लोग समझ सकते हो, इसी बात से मैं हर वीडियो के अंदर बोलता हूँ इंस्टाग्राम के ऊपर आ जाओ, कोई नहीं आता, पर आज सारे लोग इंस्टाग्राम के ऊपर आ गए। आप लोग समझ सकते हो ऑडियंस को क्या चीज देखना पसंद है और WWE वाले उसी चीज को दिखाएंगे जो कि एक्चुअली ऑडियंस पसंद करे। तो आप लोग इस बात को कंफर्म मान लो, आपको नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ पर इसका फिर से आपको हिंट देखने को कुछ ना कुछ मिलने वाला है। साथ ही साथ भाई मामी आने वाली है नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ पर, मतलब मजा तो बहुत ज्यादा आने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं जॉन सिन्हा के बारे में। तो भाई जॉन सिन्हा का मिस्ट्री पार्टनर कौन होने वाला है फास्ट लाइन के अंदर, इसके बारे में खुद से रिसेंट टाइम में डेव मेल्जर ने बताया। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, डेव मेल्जर का यही कहना कि इनका जो मिस्ट्री पार्टनर होने वाला है वो अभी रिवील नहीं होगा, WWE वाले सीधे फास्ट लाइन के अंदर रिवील करने वाले हैं। और कौन सा रेसलर वो होने वाला है जो कि एक्चुअली मिस्ट्री पार्टनर बनेगा WWE वाले से बहुत ज्यादा टॉप सीक्रेट रखने वाले। हाँ भाई, ये मैच होने वाला है जॉन सिन्हा का फास्ट लाइन के अंदर, बहुत बड़ा मैच होने वाला है। तो मतलब ये मैच के अंदर आपको एक बहुत बड़ा रेसलर का आप रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो। रैंडी ऑर्टन हो सकते हैं, बैटिस्टा हो सकते हैं, कोडी रोड्स हो सकते हैं, या फिर जाके रॉक भी हो सकते हैं, मतलब कुछ भी हो सकता है, आप लोग सारे लोग समझो। नेक्स्ट बात करते हैं अंडरटेकर के बारे में। तो भाई WWE वाले ऑस्ट्रेलिया के शो को कितना सीरियस ले रहे हैं, आप लोग इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि WWE वाले ऑलरेडी उससे पहले अंडरटेकर का एक शो रखने वाले हैं। आप लोग ऐसा समझ सकते हो कि एलिमिनेशन चेंबर को हाइप करने के लिए अंडरटेकर अपना एक शो रखेंगे जिसके अंदर अंडरटेकर ऑडियंस से बात करेंगे। भाई यहाँ पर मैच वगैरह कुछ भी नहीं होता, बस अंडरटेकर आते हैं, ऑडियंस से सवाल जवाब करते हैं, बस यही चीज यहाँ पर होता है। पता नहीं भाई ये चीज इंडिया के अंदर कब देखने को मिलेगा, क्योंकि इंडिया के अंदर अंडरटेकर का सबसे बड़ा फैन फॉलोइंग। साथ ही साथ WWE वाले दिसंबर मंथ के अंदर मेडिसन स्क्वायर गार्डन के अंदर एक बहुत बड़ा लाइव इवेंट करवाने वाले हैं। आपको बता दूं WWE कंपनी का मेडिसन स्क्वायर गार्डन जो होता है वहाँ जो लाइव इवेंट होता है बहुत बड़ा होता है नॉर्मल इवेंट के अकॉर्डिंग। ब्रॉक लेसनर, रोमन रेंस जैसे बड़े बड़े रेसलर लाइव इवेंट के अंदर जाकर कम्पीट करते हैं, जो कि मेरे ख्याल से काफी बड़ा बात है। वैसे आप लोग इस बैनर को ही देख सकते हो, WWE वाले यहाँ पर बहुत बड़े बड़े रेसलर को यहाँ पर एडवर्टाइज किए। वैसे बैकी लिंच के बारे में मुझे आपको कुछ बताना है, बैकी लिंच सिर्फ NXT के ऊपर नहीं रहने वाली है, मंडे नाइट रॉ के ऊपर भी रहने वाली है। मतलब जिस तरीके से जजमेंट करेंट में काम करे मंडे नाइट रॉ के ऊपर भी, उसके बाद NXT के ऊपर भी, जस्ट इसी तरीके से बैकी लिंच भी करेगी। आप लोग ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हो मंडे नाइट रॉ के ऊपर भी इनका स्टोरी लाइन शायद से चल सकता है। साथ ही साथ मैं आपको एक फोटो भी दिखाना चाहता हूँ जो कि WWE के बैक स्टेज का है। भाई आप लोग यहाँ पर अकीरा टोजावा को देख सकते हो, लिटरली ये बंदा जिस तरीके से टेलीविजन के ऊपर रहता है उसी तरीके से बैक स्टेज के ऊपर भी रहता है। वैसे भाई ये कौन सी फीमेल रेसलर, मुझे नाम भी इनका नहीं आता, पर ये टेलीविजन के ऊपर एक बार अमीर बाप की बेटी का रोल निभाने के लिए WWE वाले से रिक्वेस्ट किए। WWE वाले ने इनका रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं किया था। आप लोग बता देना यार कौन सी फीमेल रेसलर, मुझे तो नाम भी नहीं आता। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रेसन वॉलर के बारे में, जिनके बारे में आई थिंक आपको पता ही होगा, ये काफी टाइम से रॉक को टेस्ट कर रहे थे सोशल मीडिया को। मेरे ख्याल से एक या दो मंथ पहले से रॉक को बुला रहे थे ग्रेसन वॉलर शो के ऊपर, पर भाई स्मैकडाउन के ऊपर रॉक आए उसके बावजूद भी इनके शो के ऊपर नहीं आए। तो इसीलिए ग्रेसन वॉलर रिसेंट टाइम में इस बात को उन्होंने बताया कि शायद रॉक मेरे से डर गया इसलिए मेरे शो के ऊपर नहीं आया। भाई मैं अपना अगर सही ओपिनियन दूं तो मेरे ख्याल से ग्रेसन वॉलर को होना चाहिए था ऑस्टिन थ्योरी के साथ, क्योंकि भाई यहाँ पर बहुत बड़ा कोई डील नहीं था, ऑलरेडी ऑस्टिन थ्योरी के फ्रेंड ही है ग्रेसन वॉलर, मतलब दोनों साथ में रह सकते थे। और भाई मेरे ख्याल से ग्रेसन वॉलर के लिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी था जो कि उनको फिर से नहीं मिलने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं केविन नैश के बारे में। तो अगर आप लोग केविन नैश को जानते हो तो इनका एक बहुत बड़ा एक फ्रैक्शन था NWO जो कि WWE कंपनी के अंदर काफी ज्यादा पॉपुलर था। एक्जेक्टली WCW कंपनी के अंदर था, मतलब करेंट टाइम मतलब दोनों कंपनी को आप लोग एक साथ ही रख सकते हो। तो भाई रिसेंट टाइम में केविन नैश ने अपने पॉडकास्ट के अंदर इस बात को बताया कि वो NWO अपना फ्रैक्शन को WWE कंपनी के अंदर फिर से वापस लाना चाहते हैं। मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलना चाहता हूँ, शायद से मतलब टेलीविजन के ऊपर आकर कुछ प्रोग्राम वगैरह कुछ दिखा सकता है, ऐसा
पॉसिबल हो सकता है। आप लोग इनके ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा मत करो, इनका वादा और मोदी जी का वादा दोनों सेम ही है जो कि कभी पूरा नहीं होता। वैसे मुझे आपको ब्रिटिशा के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग दिखाना, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ब्रिटिशा रिसेंट अपना लुक ही पूरा चेंज कर लिया। मुझे नहीं पता डब्ल्यू ली कंपनी के रिटर्न का इनका हिंट है या फिर कुछ और, पर रिसेंट में काफी ज्यादा कूल लग रहा है। उस टाइम पहले इनका जो फोटो आया था उसके अंदर ब्रिटिशा बहुत ज्यादा बुढ़े दिख रहे हैं। वैसे आज के वीडियो के लिए इतना ही, जिन लोगों को वीडियो पसंद आए सारे लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, जिन लोगों को मेरे से बात करना इंस्टाग्राम के ऊपर आ सकते हैं सारे लोग।